चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगर आप दिल्ली, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अक्सर दिल्ली में लगने वाले जाम से आप परेशान होते हैं, तो आज के बाद से आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म होने जा रही है। प्रगति मैदान के पास लगने वाले जाम से दिल्ली को निजात मिली है। पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात दी है, पूरी खबर आप देखिए। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। सालों साल यहाँ लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये टनल दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। रिंग रोड इंडिया गेट हुआ सिग्नल फ्री। अब सफर में 25 मिनट का समय बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया। ये टनल जाम में फंसी दिल्ली और एनसीआर के लिए कितनी बड़ी सौगात है, इसे समझिए। इस टनल से प्रगति पावर स्टेशन से नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के बीच की दूरी महज 5 मिनट में पूरी होगी। अभी ये समय करीब 30 मिनट है। इस टनल से दिल्ली, यूपी और हरियाणा को होगा फायदा। इससे हर साल 54,90,240 लीटर ईंधन बचने का अनुमान है। इस टनल से रोजाना करीब 1,40,000 गाड़ियां गुजरेंगी। टनल की लंबाई 1.6 किलोमीटर है और इसकी लागत करीब 920 करोड़ रुपए है। इस टनल के बनने से सिर्फ जाम से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी काफी कम हो जाएगा। मतलब हरियाली की हरियाली और मुनाफे का मुनाफा। टनल के बनने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हर साल करीब 13,000 टन कम होगी। मतलब हर साल 52,000 पेड़ लगाने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। इस टनल से ध्वनि प्रदूषण भी काफी कम होगा। इसका फायदा ये होगा कि हरियाली क्षेत्र का विस्तार होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम होने से भूजल का स्तर भी सुधरेगा। इस टनल के साथ 5 अंडरपास भी खुल गए हैं। ये अंडरपास भी जाम में फंसी दिल्ली की सांसें बचाएंगे। भैरव मार्ग से मथुरा रोड पर रोजाना करीब 2,00,000 गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि सुबह पीक आवर्स में करीब 12,000 गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं। यही हाल भैरव मार्ग और शेरशाह रोड का है, जहां से रोजाना 1,38,640 गाड़ियां गुजरती हैं। सुबह के पीक आवर्स में 11,000 गाड़ियां इस रोड से जाती हैं। मथुरा रोड से भगवान दास रोड पर रोजाना करीब 95,000 गाड़ियां गुजरती हैं। सुबह पीक आवर्स में करीब 9,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इन 5 अंडरपास से इन मार्गों पर भी जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। जितना इस कॉरिडोर की वजह से प्रदूषण कम होगा, वैसा करने के लिए 5,00,000 पेड़ से जो मदद मिलती है, वो मदद इस टनल के कारण मिल जाने वाली है। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।